दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों प्यार एक बहुत ही सुखद एहसास है जिसे पाने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, प्यार के लिए लोग अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। इसके उपरांत भी ये जरूरी नहीं कि उन्हें अपना प्यार मिल ही जाए, और जिस प्यार के लिए वे अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं क्या वह उनका होकर रहेगा? वास्तव में जिसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए हैं क्या वह भी प्यार करता है या नहीं? अगर करता भी है तो किस लिए? क्योंकि आज के समय में ज्यादातर लोग बिना स्वार्थ के कुछ भी नहीं करना चाहते, फिर वह प्यार के बदले में प्यार ही क्यों ना चाहते हों। दोस्तों जहां एक ओर प्यार में पड़कर कुछ एक लोग अपनी जिंदगी सवार पाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर काफी लोग प्यार में पड़कर अपने जीवन को ही बर्बाद कर लेते हैं। दोस्तों प्यार में बनना या बिगड़ना पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। चलो बताते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर वन, दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्यार और जिद में बहुत अंतर होता है। जैसे कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, इस शब्द में किसी भी तरह की जिद नहीं दिखती। और दूसरा शब्द है क्या तुम मुझसे ही प्यार करती हो, इसमें जिद दिखाई देती है। क्योंकि जब एक लड़की किसी लड़के से हंसकर बात कर देती है तो अक्सर लड़के उसे प्यार समझ बैठते हैं और लड़की पर जबरदस्ती अपना प्यार थोपने की कोशिश करने लगते हैं। सेकंड नंबर, दोस्तों प्यार को पाना और प्यार के लिए किसी भी हद तक गिर जाना या कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। इतना ही नहीं, सच्चे प्यार और आकर्षण या जुनून वाले प्यार में भी बहुत अंतर होता है। क्योंकि सच्चा प्यार उम्र भर बना रहता है, वही जिद आकर्षण या जुनून वाला प्यार पा लेने के बाद खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। थर्ड नंबर, दोस्तों आज के समय में 12 या 14 वर्ष के बच्चे भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने की बात करने लगते हैं। यहाँ तक कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना भी लेते हैं। इतना ही नहीं, जिन घरों का माहौल अच्छा नहीं होता या जिन बच्चों की संगत अच्छी नहीं होती तो वे गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। फोर्थ नंबर, दोस्तों प्यार में ये जरूरी नहीं कि आप अपने लव पार्टनर के साथ शारीरिक रिश्ता भी बनाएं, क्योंकि शादी से पहले शारीरिक रिश्ता बनाना अमर्यादित होता है। दोस्तों कई बार जब एक लड़की किसी लड़के से प्यार करने से मना कर देती है तो अपनी विकृत मानसिकता के चलते कई लड़के लड़की के साथ आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम देने से नहीं चूकते। 5 नंबर, दोस्तों जब कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और किसी कारण बस आपस में अनबन हो जाती है और दोनों के बीच ब्रेकअप हो जाता है, इसके बाद यदि लड़की किसी दूसरे लड़के से प्यार करने लगती है तो भी लड़के इस बात को सहन नहीं कर पाते और वे अपराध की ओर बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। 6 नंबर, दोस्तों कई बार लोग किसी से एक तरफा प्यार करने लगते हैं। ऐसे में जब सामने वाला उनके प्यार के प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो लोग सहन नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में वे अपराध की ओर बढ़ जाते हैं और किसी भी हद तक गिर जाते हैं। इसके अलावा उन्हें प्यार में केवल मनोरंजन ही चाहिए होता है और उसे पाने के लिए ना जाने कितने तरह के षड्यंत्र भी रचते हैं। जैसे कोई लड़की विश्वास करके लड़के के साथ जाती है तो काफी लड़के या तो उसके साथ छल करते हैं, उसके खाने पीने वाली चीजों में कोई नशीला पदार्थ डालकर उसके साथ अनैतिक कृत्य भी करते हैं, या उल्टे सीधे फोटोज और वीडियोस बना लेते हैं, या लड़की उनके साथ ऐसा कुछ करने से मना कर देती है या उन्हें छोड़कर किसी और से प्यार करने लगती है तो उसका जीना दूभर कर देते हैं। दोस्तों प्यार दो दिलों का मिलन है, जरूरी नहीं कि प्यार में दो तन भी मिल जाएं। दोस्तों प्यार में कोई शर्त नहीं होती, प्यार के बदले प्यार भी मिले ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि सच्चा प्यार कुछ पाने के लिए नहीं किया जाता दोस्तों फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।